नमस्कार, मैं राजेंद्र जांगड़ा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं YouTube चैनल फिजिक्स विद विवानिया का। आज क्लास प्लस टू सब्जेक्ट फिजिक्स का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं आज इस वीडियो में। जो तो वन मार्क्स की क्वेश्चन, जैसे बताया था 14 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर वन में, तो बारी बारी अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन मार्क्स एक वीडियो, टू मार्क्स क्वेश्चन के लिए फिर दूसरा वीडियो, और इसी तरह से थ्री मार्क्स क्वेश्चन के लिए और फाइव मार्क्स के लिए सेपरेट वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2019 वन मार्क्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की क्वेश्चन के 14 पार्ट्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल an induced EMF or current is produced in it and this current or EMF lasts as long as there is change in the magnetic flux in the coil. ये रहेगा इसका आंसर। Faraday first law of electromagnetic induction. Second and second part say that what is a shunt? Shunt क्या है? Options are high resistance, low resistance or none of these. तो shunt जो है वो एक low value resistance होता है, ठीक है? तो ये option B रहेगी, low resistance, ठीक है? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा shunt जो है हमेशा parallel में connect किया जाता है। जब galvanometer को ammeter में convert करते हैं then shunt is connected in parallel with galvanometer to make it an ammeter. Third part कह रहता है write one limitation of Ohm's law. One limitation लिखनी है तो Ohm's law की एक limitation one mark क्वेश्चन है हम लिख देंगे, इट इज नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। फोर्थ पार्ट कहता है राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर टेस्ट चार्ज। तो यहां से ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स न्यूटन में, चार्ज कूलम में, न्यूटन पर कूलम, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है, मास की टर्म में नंबर डेंसिटी, चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम, इनकी टर्म में हमने एक्सप्रेशन लिखनी है रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि आप रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर डेंसिटी, चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम, तो ये रिलेशन रहेगी रो इज इक्वल टू एम बाय ई स्क्वायर इनटू टू, ठीक है, ये रिलेशन रहेगी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टू, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टो इज द रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में पूछा गया है डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर, पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर,
प्योर इंडक्टर में पावर कितनी डिसिपेट होती है, पावर कितनी कंज्यूम होती है? ऑप्शंस आर आई स्क्वायर इनटू आर, आई स्क्वायर एल इनटू ओमेगा, आई स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी, एंड डी ऑप्शन इज जीरो। तो हमने पढ़ा था इंडक्टर वाले सर्किट में पावर जो है वो कंज्यूम होती है जीरो, ठीक है। तो ये आंसर डी ऑप्शन रहेगा, पावर एसोसिएटेड इन प्योर इंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एज वेल एज पावर एसोसिएटेड इन प्योर कैपेसिटर इज आल्सो जीरो। ये ध्यान रखेंगे, पावर सिर्फ या तो एलसीआर सीरीज सर्किट करेगा पावर कंज्यूम, या फिर ओमिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ओनली। वो देख लीजिए, छह पार्ट जो है, पहले छह भाग वन बाय वन डिस्कस किए हैं। अब अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर सेवन। पार्ट सेवन कहता है ए प्रोटॉन इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक प्रोटॉन दिया गया है, वो मोशन में है और वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वहां पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन, डायरेक्शन बतानी है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। क्वेश्चन को समझें, एक प्रोटॉन है मूव करता हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो वाई एक्सिस के अलोंग लगाया गया है मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंटर करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे बेसिक मैं बताऊँ, फार्मूला लगेगा एफ क्यू वी क्रॉस बी। जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, जिसका फार्मूला है एफ एक्स इज क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग वो चार्ज पार्टिकल है यानी प्रोटॉन विद वेलोसिटी वी, और वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। तो ये राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएंगे, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करेंगे, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे और इस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फोर्स किस डायरेक्शन में आ रही है, अलोंग फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लियर। ये रहेगा आंसर। नंबर 8 कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दोनों प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दी जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ऑप्शंस आर इंक्रीजेस डिक्रीजेस नो चेंज नन ऑफ दी। तो यहां हम बताएंगे पहली ऑप्शन ए करेक्ट रहेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें या डायलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों ही केस में कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सी इंक्रीजेस। तो आंसर रहेगा यहां पे ए इंक्रीजेस। नंबर 9 कहता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, ऑप्शंस आर डिक्रीजेज इंक्रीजेज नो चेंज नन ऑफ दी। तो मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसने यही पूछा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होने से। तो ये याद रखें, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इससे उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज होंगे। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट इफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर 20 वोल्ट 40 वोल्ट 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली फाइंड नेट ईएमएफ ऑफ द एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे समझें,
एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और इन तीनों के अक्रॉस, ये तो इंडक्टर है मान लिया एल इंडक्टेंस का, कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस का, ये रेजिस्टर आर रेजिस्टेंस का, तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बता रखी है, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर यानी कि वी एल ये दे रखी है 20 वोल्ट, ठीक है, एंड अक्रॉस कैपेसिटर वी सी ये दे रखी है 40 वोल्ट एंड अक्रॉस द रेजिस्टर 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली ये बता रखी है इसने। तो ये नेट ईएमएफ कितनी होगी इस एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए, तो सबसे पहले यहां समझना होगा कि VL is not equal to VC, अगर VL बराबर है VC हो जाता तो उस केस में रेजोनेंस अकर करती तो VL minus VC वो रिजल्टेंट वोल्टेज जीरो दोनों की हो जाती, आउट ऑफ फेस होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ LCR सीरीज सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रा करूं तो VR तो ये आता है इधर फेजर, VL इधर आएगा और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगा वीसी फेजर 40, तो यहां इन दोनों का रिजल्टेंट बच जाएगा वीसी माइनस वीएल और वो आ जाना है 40 माइनस 20 यानी कि 20 वोल्ट, तो ये एक वोल्टेज ये बच गई हमारे पास 20 वोल्ट, एक वीआर बची हुई है, वीआर दे रखी है 20, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन लगाएंगे, रिजल्टेंट जो आएगा डायगोनल से वो होगी इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ दिस एलसीआर सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे नेट ईएमएफ के लिए फार्मूला लगेगा ई इज इक्वल टू तो आएगा वीसी माइनस वीएल होल स्क्वायर प्लस वीआर होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे तो वीसी माइनस वीएल ऑलरेडी जो है 40 माइनस 20 यानी 20 का स्क्वायर प्लस VR 20 है इस 20 का भी स्क्वायर और ये रूट के अंडर, यहां से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 20 रूट 2 वोल्ट, ठीक है, ये रहेगी नेट ईएमएफ इस एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। इसको एनुअल एग्जाम के लिए भी नोट करें, इस तरह का दे रखा हो तो सबसे पहले हमने फेजर डायग्राम का यूज करना है, VL ग्रेटर VC हो तो VL माइनस VC बच जाएगा और VR दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकालेंगे वो नेट ईएमएफ आएगी, यहां VC ग्रेटर VL था तो VC माइनस VL हो गया है और एक VR दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल दिया वो नेट इफेक्टिव ईएमएफ आएगी, क्लियर। इसमें एक स्पेशल केस हो सकता था कि अगर VL और VC ये दे देता, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से बना को ये कह देता VL 20 वोल्ट VR 40 वोल्ट एंड VC 20 वोल्ट और उस केस में नेट ईएमएफ पूछता, तो यहां हम देख रहे हैं VL बराबर है VC और VL बराबर है VC, उस केस में रेजोनेंस अकर कर जाएगी और VL और VC आउट ऑफ फेस होती हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, तो नेट इफेक्ट सारी कौन सी होगी जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो आ जाती है 40 वॉट। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, एनुअल एग्जाम के लिए भी स्टूडेंट्स इस पे ध्यान दें, बिल्कुल इजी, दो नंबर में न्यूमेरिकल भी बना सकता है, हालांकि यहाँ पे इसने वन मार्क के लिए क्वेश्चन रखा है। देखिए 11th पार्ट कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन समझेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द सेंटर, इसके सेंटर के नजदीक इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यहां माना था हमने पी पॉइंट जो इससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये फार्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, वहां हमने यहाँ पर पेंडुलर डिस्टेंस ए ली थी, यहाँ आर लेके चल रहे तो आई बाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, यहाँ पे फाई वन और फाई टू क्या थे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एंड को इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने से जो एंगल बने थे वो थे फाई वन और फाई टू, ठीक है। तो
अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट उसके सेंटर के नजदीक किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर के नजदीक होगा तो phi 1 और phi 2 दोनों ही 90 हो जाने हैं, तो sin 90 1 sin 90 1 1 plus 1 2, सेंटर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए mu not upon 4 pi I by R, और ये 2 आ जाएगा sin 90 plus sin 90 1 plus 1 यानी 2 2 से हमने ये काट दिया तो ये बन गया mu not I upon 2 pi R। ऑप्शन दे रखी हैं इसने, ए ऑप्शन mu not I by 2 pi R, बी ऑप्शन mu not I by 2 R, सी ऑप्शन mu not N I, डी ऑप्शन 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगी mu not I upon 2 pi R, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 12। व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल रहे, और इक्वल पोटेंशियल है तो वर्क डन जो आता था किसी भी चार्ज को दो पॉइंट के बीच में, जैसे Q नॉट को हमने A से B मूव करवाना है, जैसे हमने ये स्फीयर ले लिया कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके सेंटर पे ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल रहेगा। ये दो पॉइंट माने मैंने A और B, किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B मूव करवाना है इसी की पोटेंशियल सरफेस पे, तो ये फार्मूला लगता था WAB/Q0 = VB - VA, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस VA एंड VB आर इक्वल, सो देयर डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0, देयरफॉर वर्क डन इज आल्सो 0। तो इसका आंसर रहेगा वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। मूव टू 13 पार्ट। लैंड लॉ एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शंस आर चार्ज, मास, मोमेंटम, एनर्जी। तो लैंड लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगी। ठीक है, लैंड लॉ ने यही बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक कॉइल ली थी हमने कोई रिंग की फॉर्म में बेंड कर दी, ये मैग्नेट जो है इसके पास हम लेके आ रहे थे, एक बार दूर ले जा रहे थे, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट हम इस कॉइल के नियर बाय लाने में और इसे दूर ले जाने में करते थे, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अपीयर इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि जितनी एनर्जी आप खर्च करी वही एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपीयर होती है। Move to the last part but not least, question number 1 का 14th part। 14th part कहता है torque acting on a coil having n number of turns, ठीक है, capital N number of turns हैं, area of cross section इसने दिया A, carrying current I in uniform magnetic field B। question को समझें, torque acting on a coil, कोई क्वाइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, उसमें करंट i फ्लो कर रहा है, और उस क्वाइल को कहां रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में, तो उस पे कितनी टॉर्क लगाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फार्मूला होता था टॉर्क का mb sin थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता था टॉर्क का, वेक्टर फॉर्म लिखें टॉर्क वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b होता था, मैंने सिर्फ मॉडुलस लिखा टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, m होती थी उस क्वाइल की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कॉइल के लिए होती है n into I into A, यहाँ पे n कैपिटल दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो m की जगह मैंने लिख दिया n I A into B into sin थीटा, ये टॉर्क रहेगी उस कॉइल के लिए। ये पहले क्वेश्चन के 14 पार्ट्स 1 मार्क्स ईच हमने डिस्कस किए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने 14 पार्ट को कम्प्लीटली और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इनको आप एनुअल एग्जाम के लिए भी रिमेम्बर करें, नोट डाउन करें, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको श्योरली एनुअल एग्जाम में भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।